हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की जो रिक्रूटमेंट इंडियन आर्मी की तरफ से जो कि ईस्टर्न कमांड ग्रुप सी की वैकेंसी होने वाली है, तो गाइस इसके अंदर ग्रुप सी की काफी सारी पोस्ट है, जैसे एलडीसी, बारबर, कुक, चौकीदार, सफाई वाला, ट्रेड्समैन, मेट, हेल्थ इंस्पेक्टर, वार्ड सहायिका एंड वॉशरमैन की इसके अंदर पोस्ट होने वाली। तो गाइस आज की वीडियो में पूरी डिटेल से बात करेंगे इसके बारे में। तो इस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज दबा लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो इस वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो फॉर्म है आज से स्टार्ट हो चुका है, 30 अप्रैल से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट है 13 जून 2022 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो वैसे आगे बात करते हैं एज लिमिट की। तो वैसे इसके अंदर जो मिनिमम एज है वो 18 साल है और जो मैक्सिमम एज है हेल्थ इंस्पेक्टर की उसके अंदर आपकी 27 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए और जो बाकी अदर पोस्ट है उन सभी पोस्ट के लिए आपके 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और आपकी एज 13 जून 2022 के अकॉर्डिंग चेक की जाएगी। तो वैसे आगे बात करते हैं वैकेंसी एंड सैलरी की। तो वैसे इसके अंदर जो पहली पोस्ट है बार बार की, इसके अंदर आपकी 9 वैकेंसी रहने वाली है एंड सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है चौकीदार, तो इसके अंदर आपकी 12 वैकेंसी एंड सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी की, तो इसके अंदर आपकी 3 वैकेंसी एंड सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है सफाई वाला, तो ये ओनली फीमेल के लिए, तो इसके अंदर आपकी 35 वैकेंसी है एंड सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली। अगली पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर की, तो इसके अंदर आपकी 18 वैकेंसी एंड सैलरी की बात करें तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी रहने वाली। अगली पोस्ट है कुक, तो इसके अंदर आपकी 3 वैकेंसी सैलरी की बात करें तो 19,900 से लेकर 63,200 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की, तो इसके अंदर आपकी 8 वैकेंसी है, सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली। अगली पोस्ट है वार्ड सहायिका, तो इसके अंदर आपकी 53 वैकेंसी रहने वाली और ओनली फीमेल के लिए वैकेंसी रहने वाली, सैलरी की बात करें तो 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। अगली पोस्ट है वॉशरमैन, तो इसके अंदर आपकी 17 वैकेंसी, सैलरी की बात करें तो इसके अंदर आपकी 18,000 से लेकर 56,900 तक आपकी सैलरी रहने वाली है। तो इस आगे बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो इसके अंदर जो पहली पोस्ट है बारबर की, इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए बारबर की, ठीक है। तो इस अगली पोस्ट है चौकीदार, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास अगर आप लोग किसी बोर्ड से हो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है एलडीसी, तो इसके अंदर आपको सिंपल 12th पास होना चाहिए, उसके अंदर आपका टाइपिंग टेस्ट भी होगा, तो इंग्लिश में आपके 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर, ठीक है, और हिंदी में आपके 35 वर्ड पर मिनट ऑन कंप्यूटर। अगली पोस्ट है सफाई वाला, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, अगर आप लोग हो तो आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है हेल्थ इंस्पेक्टर की, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपके पास सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगली पोस्ट है कुक की, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको नॉलेज होनी चाहिए इंडियन कुकिंग की। एंड अगली पोस्ट है ट्रेड्समैन मेट की, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है वार्ड सहायक, तो इसके अंदर भी आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगली पोस्ट है वॉशरमैन, तो इसके अंदर आपको सिंपल 10th पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपको वॉश मिलिट्री का काम आना चाहिए। तो इस आगे बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल टेस्ट या स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल टेस्ट एंड सिलेक्शन। और जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया आपकी कहीं भी जॉब लोकेशन हो सकती है। तो इस आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो इस अगर आप लोग जनरल ओबीसी, डब्ल्यूएससी या एसएससी कैंडिडेट है तो आपकी इसके अंदर 100 रुपये फीस रहने वाली है। तो इस अपने एनवेलप पे अपना सेल्फ एड्रेस लिख देना, उसके बाद आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है पोस्टल ऑर्डर के थ्रू। आपको 100 रुपये अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, जिसका एड्रेस है द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, ईसी अलीपुर, कोलकाता 70027। ये आपका पोस्टल एड्रेस रहने वाला है, इस पोस्टल एड्रेस पे आपको अपनी फीस पेमेंट करनी है, ठीक है। तो वैसे आगे बात करते हैं पोस्टल एड्रेस की। तो वैसे इसके अंदर आपका जो पोस्टल एड्रेस है वो है द कमांडेंट कमांड हॉस्पिटल, ईसी अलीपुर, कोलकाता 70027, इसका ये पोस्टल एड्रेस रहने वाला है। तो इस आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है। तो वैसे इसके अंदर आपको सबसे पहले बता दूं तो आपको कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको सेंड नहीं करना, सभी की आपको कॉपी सेंड करनी है और सभी को सेल्फ अटेस्ट करके सेंड करना है, ठीक है। तो इसके अंदर आपको सबसे पहले एजुकेशन सर्टिफिकेट लगाना होगा, अगर आप लोग 10th की पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आपको 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी होगी, या आप लोग 12th की पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो आप लोग 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगानी होगी। उसके बाद आपको बर्थ सर्टिफिकेट लगाना, अगर आपके पास है तो लगा देना, नहीं तो आप लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट लगा सकते हो। उसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप लोग रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी होगी। उसके बाद आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी लगानी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी एक आईडी प्रूफ आपको लगाना होगा, उसकी फोटोकॉपी आपको लगानी है। उसके बाद आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट लगाना है एंड उसके बाद आपको 2 पासपोर्ट साइज फोटो रखने लेटेस्ट एकदम, ठीक है। और उसके बाद आपको अपने एनवेलप पे सेल्फ एड्रेस लिख लेना है अपना एंड अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच कर लेना है, ठीक है। तो वैसे आगे बात करते हैं हाउ टू अप्लाई की। तो वैसे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो कैसे आपको डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा। सिंपल नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से पढ़ने के बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा लेना, उसके बाद आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट सेल्फ अटैच करने के बाद उसे अटैच कर देना एप्लीकेशन फॉर्म के साथ और उसके अंदर 2 फोटो एक्स्ट्रा रख देना और सभी को सेल्फ अटेस्ट करने के बाद आपको सभी को एनवेलप में रखने के बाद आपको स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आपको अपना एनवेलप सेंड कर देना और जल्द से जल्द अप्लाई करो, 13 जून 2022 इसके लास्ट डेट होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज दबा लें, जिससे कि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।